नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए लेकर आया हूँ पेपर डिस्कशन की सीरीज में, जो पास्ट इयर्स के पेपर की डिस्कशन की सीरीज चल रही है, उसका नेक्स्ट ऑसम लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो 2018 का प्रीलिम्स का एग्जाम था, उसका थर्ड पार्ट। आज के पार्ट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन 25 से लेके 50 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो पहले तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आप में से जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि इस लेक्चर सीरीज को क्यों देखना जरूरी है। देखिए, एमपीपीएससी में बहुत बार जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, और अगर आपका कोई रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर आपको डायरेक्टली पता होगा, तो आपकी मदद मिल जाएगी। प्लस अगर आप पुराने साल के पेपर की एनालिसिस करते हो तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलता है, जिससे आप एकदम इन्फॉर्म्ड गैसेस कर सकते हैं कि देखिए इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मुझे अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से ओरिएंट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। प्लस आपको एग्जाम पैटर्न के अलावा आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता है कि जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है ना। ये आपने जब अपने पिछले दो पार्ट देखे तो आपको पता चला कि बुक्स और ऑथर को पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, आपको आपकी जो प्रिपरेशन हो जाती है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरी होलिस्टिक हो जाता है, आपका जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक हो जाता है कि आपको और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, या आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर आप पुराने साल के पेपर का डिस्कशन करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये सीरीज को रन कर रहे हैं। दोस्तों, यहां इस स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हो, जो आपका GS1 का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसका सिलेबस। तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहां पे एक मिनट के लिए पॉज कर लो और इस सिलेबस को गो थ्रू कर लो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या कवर किया हुआ है अभी तक और आपको क्या पढ़ने की और जरूरत है। इज दैट क्लियर? दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, या कुछ लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को और मेरे ये इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। सो थैंक यू टू एवरी वन ऑफ देम हु सपोर्टेड दिस चैनल। अच्छा, उसके अलावा कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इन लेक्चर के बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है जो टॉपिक्स अभी तक हमने कवर नहीं किया, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, या फिर अपॉइंटमेंट, जो अभी 2018 में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, या कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमें कवर करने होंगे, जैसे कि अवार्ड्स, स्पोर्ट अवार्ड्स के ऊपर, या फिर नेशनल अवार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या रीसेंट टूर्नामेंट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो भी टॉपिक मुझे पता चला है एनालिसिस के दौरान, उसके ऊपर एक मैं सीरीज बनाऊंगा, मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इस प्लेलिस्ट का नाम रख दूंगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमपीपीएससी 2019। तो इस टॉपिक के अंदर मैं एक एक करके वो सारी चीजें, मतलब वो सारे टॉपिक कवर करूंगा जो इस लेक्चर सीरीज को हम लोग एनालाइज करने के बाद हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन एकदम होलिस्टिक होगी, इस सीरीज को देखना ना भूलें। उसके अलावा मैंने 10 तक के टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए इंस्टामोजो पे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना और उनको अटेंड करना, ठीक है। प्लस मैंने जितने भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उनको मैंने क्या कहते हैं मॉक टेस्ट पेपर सेंड कर दिए। जिनको भी नहीं मिले वो मुझे बता देंगे, तो मैं उनको बाकी लोगों को भी टेस्ट पेपर फॉरवर्ड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? अब इसी नोट के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और प्लीज आप लोग इस लेक्चर को देखते दौरान एक चीज का इंश्योर रखना कि जो पेपर के मैं अभी क्वेश्चन बोलूंगा, आप साथ साथ आंसर देने की कोशिश करना और ये चेक करना कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, और अपना जो भी स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में अपलोड करना मत भूलना कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या होगी, ये सीरीज इंटरेक्टिव हो जाएगी। प्लस जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनके जवाब देना ना भूलना। तो ये सारे काम आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। तो प्लीज ऐसा करिए आप लोग। और उसके अलावा जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, वो टॉपिक पढ़ना जरूरी है, तो उनके ऊपर अपने नोट्स बनाते जाइए। और एक बार जैसे ही ये 2018 का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वाली पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टामोजो पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और इसके जो आंसर्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आंसर्स आपको एमपीपीएससी की साइट से मिल जाएगा, अदरवाइज फिर भी मैं भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। जब आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन वैसे तो काफी लोगों को पता होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो नर्वसनेस में या फिर एग्जाम स्ट्रेस के दौरान इसको पढ़ना भूल जाते हैं या गलत पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आप इसे पहले से पढ़ लीजिए और निपुण हो जाइए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकलना ही निकलना है, ये बात मान के चलिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हिंदी में, हिंदी वाले जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लो, और जो जो भी एस्पायरेंट्स इंग्लिश में पेपर को अपेयर करेंगे तो वो यहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इज दैट ओके? सेम इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दी हुई है।
25 तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, ये हमारा 26 क्वेश्चन है। यहां पे आपको ये बताना है कि ये जो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम से जो एक बुक थी वो इनमें से किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया, जे आर डी टाटा, जी डी बिरला या पताभी सीतारमैया। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, तो अगर जिसने हिस्ट्री की थोड़ी सी भी तैयारी की होगी उसको इसका जवाब पता होगा कि क्या कहते हैं जो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया है वो बुक किसने लिखी हुई है। और जिनने भी आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं बता दूं इस बुक को लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया, इनके नाम पे एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, उस डे का नाम बताइए। एम विश्वेश्वरैया की जो बर्थ डेट होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको एक स्पेशल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। वो आपको बताना है कि कौन सी डेट या कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि एमपी में ऐसा कौन सा मैसेकर हुआ था जिसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के साथ कंपेयर किया जाता है। पिछले लेक्चरों में जब मैं मैसेकर वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, मतलब स्पेशली ये मैंने आपको पता है कहां पे पढ़ा है, जो एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, एमसीक्यू की जो सैंपल एमसीक्यू की सीरीज रन कर रहा हूं वहां पे मैंने डिस्कस किया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा वो इसका जवाब दे सकते हैं कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो कि अमृतसर में हुई थी ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है, जिसमें जनरल डायर ने पब्लिक के ऊपर फायर ओपन करवा दिया था, निहत्थी पब्लिक के ऊपर, जो कि जो बहुत ही ज्यादा हॉरोफिक इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री में, तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुआ था। उस मैसेकर को आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चरण पादुका मैसेकर, झाबुआ मैसेकर, मंडला मैसेकर या अजेड़ा मैसेकर। आप लोगों ने इसका आंसर यस, जिन्होंने बताया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं पता तो याद कर लो चरण पादुका मैसेकर, ठीक है। चरण पादुका मैसेकर हुआ था, ये भी ये कहां पे हुआ था, जबलपुर के पास ही हुआ था, जहां पे एक साइलेंट असेंबली हो रही थी, और वहां पे क्या हुआ था कि उनके ऊपर फायर ओपन करवा दिया था। तो ये चरण पादुका जगह का नाम है जो जबलपुर से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे ये मैसेकर हुआ था, ठीक है। बाकी अब जो देखिए जो इंटेलिजेंट एस्पायरेंट होगा उसको झाबुआ मैसेकर के बारे में मालूम होगा, मंडला मैसेकर के बारे में मालूम होगा, और अजेड़ा मैसेकर के बारे में भी मालूम होगा। मैंने झाबुआ को तो कवर करवाया था, मंडला और अमझेरा वाला नहीं कवर करवाया था मैसेकर, तो आप लोग भी इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो नोट्स में लिख लो कि ये चीज अभी हमें पढ़नी है और ये चीज हमें पढ़नी है। गॉट इट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पे जो मैसेकर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, तो देखिए जो बुंदेलखंड है उसमें 20वीं सेंचुरी का जो मतलब यानी 20वीं सेंचुरी यानी 1900 से लेके 20 1900 से लेके 2000 तक की जो सेंचुरी है वो बोली जाती है 20th सेंचुरी। तो जो उसका फर्स्ट क्वार्टर था यानी 1900 से लेके 1925 तक तो कोई मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1916 में एक कांग्रेस कमेटी स्टेब्लिश की गई झांसी में, और एक बांधा में स्टेब्लिश की गई 1920 में। महात्मा गांधी ने झांसी में मीटिंग को एड्रेस किया था 1921 और 1929 में। बुंदेलखंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड हुई मोतीलाल नेहरू के अंडर में। यहां पे क्या किया गया, जो फॉरेन क्लोथ थे उनको बंद किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1919 1920 के दौरान हुआ था, ठीक है ना। तो इस दौरान बहुत सारे कपड़ों को भी जलाया गया, कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी झांसी में 1920 से, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो कि साधु का वेश लेके उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया था, जैसे सातर में किया था वो उड़ीसा स्टेट में, फिर उसके बाद झांसी में, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। फिर बॉम्ब्स राइफल ग्रेनेड्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ कहां पे, झांसी में। और 1928 में भगत सिंह ने यहां पे पहला टेस्ट बॉम्ब भी एक्सप्लोड किया था बबीना में। तो ये जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी सेल्स यानी एक तरीके से कमिटी बनाई गई कहां पे, बांदा और चित्रकूट में। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है राइटा हिस्टोरिकल या फिर फ्रीडम स्ट्रगल एक्सपीरियंस ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। प्लस इस फैक्ट में से ये भी पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस कमेटी कहां पे बनाई गई थी, झांसी और बांदा में बनाई गई थी, ठीक है। उसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बुंदेलखंड रीजन का क्या पार्टिसिपेशन रहा, चंद्रशेखर आजाद उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, भगत सिंह ने कहां पे अपना पहला टेस्ट बॉम्ब को फायर किया था, तो बबीना में। तो ये सारी चीजों को आप याद रख लेना। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज लॉन्च इन दी प्रिंसली स्टेट्स एज वेल। अब जनवरी 14, 1930 में क्या हुआ था, एक चरण पादुका जो कि छतरपुर टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, छतरपुर टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा था प्रिंसली स्टेट के खिलाफ। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने इस मीटिंग को डिस्पर्स करने के लिए, इस मीटिंग को बंद करवाने के लिए गन फायर ओपन कर दी थी, और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसी चरण पादुका मैसेकर को ही जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ कंपेयर किया जाता है, याद रखना। ओरछा स्टेट में अगर हम बात करें प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर की, तो उनका नाम है चतुर्भुज पटना पाठक,
चतुर्भुज पाठक, ये एक गांधीयन थे जो बाद में क्या कहते हैं, बाद में एक मिशन के साथ भी एसोसिएट हुए थे। किस मिशन के साथ? एंड डकैती इन दी चंबल रिवाइंस। आपको पता होगा चंबल रीजन में डकैती और डकैत बहुत होते थे, राइट? तो उसी को रोकने के लिए चतुर्भुज पाठक ने एक मिशन भी चालू किया था। उसके अलावा 1947 में जो नारायण दास खड़े थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पे उभर के आया, लेकिन उनका क्या हो गया था, उनको भी उनका मर्डर कर दिया गया था। उसके अलावा फिर ओरछा जो रूलर थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को मान लिया था, और जो ओरछा में प्रिंसली स्टेट था वो खत्म हो गया था, ठीक है। वन मेंबर ऑफ द प्रिंसली क्लास हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रीडम मूवमेंट वाज दीवान शत्रुघ्न सिंह ऑफ हमीरपुर, जो प्रिंसली स्टेट को खत्म करवाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें आप बस पढ़ लेना। एक्चुअली ये मैंने जो पूरा स्टेंजा कवर किया है वो क्यों किया है कि बुंदेलखंड की अगर फ्रीडम स्ट्रगल पार्टिसिपेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेंस में उसका जवाब लिख सको अच्छा सा, इसलिए यहां पे कवर किया है। प्लस कुछ फैक्ट भी है तो उनको भी आप लोग देख लेना अपनी तरफ से। इज दैट ओके? आगे चलते हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर अच्छा ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या इंदस। अब देखिए लोग बाग एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाते हैं जैसे ही लॉन्गेस्ट रिवर देखी और लगा देंगे ब्रह्मपुत्र, लेकिन यार पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इन इंडिया, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? और आप लोगों ने सही पहचाना, इंडिया की तो लॉन्गेस्ट रिवर गंगा नदी है, तो गंगा नदी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये अगर आप लोकेशंस देखो इन नदियों की, तो ये रही आपकी गंगा, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र, और यहां पे रही इंदस। ये तीन जो रिवर सिस्टम है ये आपके हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं, याद रखना हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर अंतर्गत आते हैं। और जो ये नीचे वाले हैं ये रिवर सिस्टम, ये आपके आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम जो होती है वो क्या है, पेरिनियल है, मतलब साल भर बहती रहती है, जबकि ये वाली जो रिवर्स होती है वो सीजनल होती है, इनमें साल के कुछ ही महीनों में पानी होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। तो ये सारी देखो रिवर्स की यहाँ पे लंबाई लिखी हुई है कितनी क्या है, भले ही आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। देखो इन इंडिया की बात की गई है, इंडिया में गंगा नदी की जो पूरी लंबाई है वो है 25 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, और जबकि ब्रह्मपुत्रा की सिर्फ इंडिया के अंदर 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर। गोदावरी की कितनी है, 1465 किलोमीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। उसके बाद कृष्णा की कितनी है, 1400 किलोमीटर। गोदावरी ये है, कृष्णा ये है, ठीक है, क्लियर है। और ये गोदावरी के ऊपर आती है महानदी नदी, और कृष्णा के नीचे आती है कावेरी नदी। तो ये पूरे ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो नदियों को। अगर नॉर्थ से साउथ में आए तो याद रखना सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। कैसे याद रखोगे, महानदी की गोद में कृष्णा और कावेरी, महानदी की गोद में कृष्णा और कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और सबसे ऊपर यहां पे इंदस है, फिर ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्रा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए वैसे तो ब्रह्मपुत्रा नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, तो गंगा से बड़ी है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 900 की अराउंड होती है, इसीलिए इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी नहीं है, इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है गंगा, फिर उसके बाद गोदावरी, ये यहां पे लिखा हुआ है। ऐसी इंदस जो नदी है उसकी टोटल लेंथ तो 3180 है, लेकिन इंडिया में इतनी लेंथ नहीं है इसकी। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब आपको यह बताना है इंडिया की सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, इंडिया की सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामोम या फिर नल्ला नल्ला मलाई। सदर्न मोस्ट मतलब जो सबसे दक्षिण में आती है, सबसे नीचे जो आती है वो वाली रेंज का आपको नाम बताना है। आंसर लिख लिया आप लोगों ने? यस। तो सही आंसर इसका क्या है, कार्डामोम। कार्डामोम जो है वो इंडिया की सदर्न मोस्ट रेंज है, सदर्न मोस्ट। आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज्यादा हार्ड ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एकदम ऊपरी तली तले के ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं बस उन्हीं को पढ़ लो आप। अगर हम बात करें देखिए सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, विच इज द सदर्न मोस्ट स्टेट, तो है तमिलनाडु। आंसर याद रखना, सबसे दक्षिण में कौन सा स्टेट आता है इंडिया का, तमिलनाडु। अगर हम बात करें सबसे सदर्न में कौन सा यूनियन टेरिटरी आता है इंडिया का, तो याद रखना पुडुचेरी। अगर हम बात करें कि जो इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है, इंडियन मेनलैंड की, क्वेश्चन देखना, इंडियन मेनलैंड की सदर्न मोस्ट टिप कौन सी है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी की बात की जाए सॉरी, देखिए आपका इंडिया कुछ इस टाइप का बनता है,
ठीक है, ये आपका इंडिया इस टाइप का कुछ बनता है। तो ये देखिए, सदर्न मोस्ट में जो स्टेट आता है उसका नाम हो गया आपका तमिलनाडु। उसके बाद जो सदर्न मोस्ट आपका क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी है, वो है पौडुचेरी। उसके बाद सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड, मतलब जो इंडिया का मेनलैंड है उसका अगर अगर हम सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, क्योंकि देखिए इंडिया तो ये आपने बना दिया, लेकिन यहां पे फिर आपके अंडमान और निकोबार भी आते हैं, राइट? तो यहां पे भी, और जो नीचे सबसे नीचे पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, ये सारा याद रख लेना। अगर हम हिल्स की बात करते हैं तो कार्डामोम हिल्स जो कि केरला में है वो सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है इंडियन पेनिनसुला की। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड एरिया होता है जो कि तीन तरफ से, ऐसा कोई लैंड एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे इंडिया, देखो अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे आपका है अरेबियन सी, यहां पे है आपका बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका आ जाता है इंडियन ओशियन। तो इसीलिए जो कार्डामोम हिल्स है वो इंडिया के सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पे लोकेशन भी आप देख लो, नदियों की लोकेशन प्लस आप ये पहाड़ों की भी लोकेशन। तो यहां पे देखो, ये रहे आपके कार्डामोम हिल्स और ये रहे नीलगिरी। समझ में आ रहा है? यहां पे ये आपके अरावलीज हैं, ये विंध्यास है, ये सतपुरा है, ये ईस्टर्न घाट्स कहलाता है, ये वेस्टर्न घाट्स कहलाता है, ये कोंकण कहलाता है, कोंकण रीजन, और ये मालाबार रीजन कहलाता है, कोंकण और ये मालाबार रीजन कहलाता है, ठीक है? ये छोटा नागपुर वाला रीजन हो गया, ये गैरो खासी और जैंतिया, ये सारे पहाड़ों को देख लो, ठीक है? और अगर डिटेल में देखना चाहो, नदियों की बात करें, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ये महानदी, ठीक है? यहां पे ये देखो आपकी नर्मदा जा रही है। समझ में आ रही है बातें? और उसके अलावा अगर आप देखिए हिल्स की बात करते हैं तो ये देखो नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, और उसके नीचे क्या है? कार्डामोम, दिख रहा है? और नलामल्ला जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो यहां पे है, नीलगिरी यहां पे है, अन्नामलाई यहां पे है, और ये कार्डामोम है, ठीक है? तो प्लीज ये सारे हिल्स वगैरह को आप क्या करो, मैप्स में, मैं कोशिश कर रहा हूं मैप्स के ऊपर एक सीरीज रन करूंगा तो उससे आपके जो भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं कवर करवा सकूं। तो आप अपनी ये टॉपिक्स को नोटिस कर लो कि ये सर को लोकेशंस के ऊपर भी एक लेक्चर सीरीज को प्लान करना है, ताकि आप लोग मुझे रिमाइंड करवा सको। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, मतलब इनमें से कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि मैक्सिमम स्टेट की बाउंड्रीज को टच करता है? क्या ये मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? अब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एमपी का तो पता होगा, एमपी पांच स्टेटों को टच करता है, बाकियों का बताओ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? और यार थोड़ा सा भी अगर लॉजिकल आप सोचोगे तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लो फिर भी यहां पे आपके जो ऑप्शन क्या दिए हुए थे, एमपी, यूपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो ये देखो एमपी तो पांच स्टेट्स को छूता है, ये यूपी रहा, ये राजस्थान रहा, ये गुजरात रहा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पांच स्टेट हो गए। यूपी की बात करें तो यूपी देखो एमपी को टच कर रहा है, यहां पे बिहार को कर रहा है, झारखंड को कर रहा है, ये एमपी हो गया, तीन हो गए, राजस्थान को कर रहा है, उसके अलावा फिर आपका हरियाणा को कर रहा है, पांच हो गए, फिर ये देखो हिमाचल को भी थोड़ा सा टच कर रहा है तो छह, और उत्तराखंड सात, तो सात स्टेटों को टच करता है ये। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब तो विभाजन हो गया है, विभाजन के बाद अब एक तेलंगाना भी निकल गया है इसमें से, ठीक है ना? तो अगर हम ये यहां पे आप इसको भी देख सकते हो, ये मुझे अपडेटेड मैप लगाना चाहिए था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं आपसे, ठीक है? तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको ये बताना है इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है, मतलब इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? देखो ये आ रही है कोई रिवर, तो ये तो हो गई रिवर की लंबाई, लेकिन अगर उस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरियों को मिला दिया जाए तो वो जितना लैंड एरिया को कवर कर रही है वो होता है उस पूरी नदी का रिवर बेसिन। तो किसका रिवर बेसिन सबसे बड़ा है इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट? सेकंड पूछा है, लार्जेस्ट नहीं पूछा, सेकंड पूछा है। आपके ऑप्शंस थे महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन, ठीक है? आपने आंसर लिख लिया होगा अभी तक, तो इसका सही आंसर था गोदावरी बेसिन, सी। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए ड्रेनेज बेसिस के बेसिस पे, ड्रेनेज मतलब कितने एरिया को ये नदियां पानी पहुंचाती हैं या एरिया को कवर करती हैं, उस बेसिस पे इंडिया की नदियां दो टाइप में बटी हुई है, मेजर बेसिन नदियां और माइनर बेसिन नदियां, ठीक है? आपको ये बताना है मेजर बेसिन कितनी नदियां आती हैं मेजर बेसिन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, और माइनर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कितनी नदियां आती हैं, और इनको जो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है वो क्या होता है, कि कितने लैंड एरिया से कम को हम क्लासिफाई करते हैं मेजर ड्रेनेज बेसिन और कितने एरिया को हम लोग बोलते हैं माइनर ड्रेनेज बेसिन। क्वेश्चन क्लियर है?
ये सारी चीजें देखो, मैं तो आपको बस मदद कर सकता हूं, स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता हूं कि सारी चीजें मैं अगर यहां पे बता दूंगा तो आप मेहनत नहीं करोगे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। यहां पे देखो गोदावरी जो है उसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर, ओरिजिनेट होती है त्रंबकेश्वर से, ठीक है। और त्रंबकेश्वर जो टेम्पल है या जो जगह है, स्थान है, वो कहां पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर हम बेसिन एरिया की बात करें तो देखो ये इसका टोटल बेसिन एरिया कितना हो गया, 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतने सारे एरिया को ये पानी देती है, ड्रेनेज देती है ये, और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को मिला दिया जाए तो 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ में आ रहा है? देखो लंबाई एक अलग चीज होती है और ड्रेनेज बेसिन एरिया अलग चीज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है, तो देखिए इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन जो है वो गंगा नदी का है, और उसकी टोटल वो जो एरिया है बेसिन एरिया वो है 8,61,452 स्क्वायर किलोमीटर, 8,61,452 स्क्वायर किलोमीटर। और जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, और ट्रेवल करती है इंडिया में कितना, 2525 किलोमीटर। किन किन स्टेट से निकलती है ये भी जानना जरूरी है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो अब पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वो कितने स्टेट से निकलती है, 5 स्टेट, उन स्टेट के नाम क्या हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, क्लियर है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है तो आप यहां पे पढ़ सकते हो, गॉट इट। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो पाक स्ट्रेट है वो किन दो कंट्रियों के बीच में है, पाक स्ट्रेट जो है वो किन दो कंट्रियों के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका या इंडिया मालदीव्स। अब जो बच्चे कम तैयारी करके जाते हैं, पाक यहां पड़ा तो सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान आंसर होगा, और गलत हो जाता है यार। और देखिए पेपर जो एग्जामिनर होता है वो भी ऐसा ऑप्शन सबसे पहले देता है जो हमें सबसे ज्यादा लगता है, अच्छा पाक स्ट्रेट, इंडिया पाकिस्तान, नहीं यार ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। और यस सही आंसर इसका है सी, इंडिया और श्रीलंका। तो आप बार बार नोटिस करो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में वो कितने इजी आते हैं, मतलब जो सरफेस वाले, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इनको टिक कर सकते हो। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो ज्योग्राफी है इंडिया की वो कैसे प्रिपेयर करनी है आपको। फिर भी आप लोकेशन देख लो, देखो ये रहा पाक स्ट्रेट आपका, ये रहा इंडिया, और ये रहा श्रीलंका, ये रहा आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं पाक वे, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, पाक स्ट्रेट क्या है, इट इज द स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, ये हो गया आपका पाक स्ट्रेट। अगर यहां पे और लोकेशन देखी जाए तो ये देखो ये पाक वे है आपका, ये पाक स्ट्रेट जा रहा है आपका, और क्या कहते हैं ये गल्फ ऑफ मन्नार है आपका, ये पूरा जो ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार है ये आपका, ठीक है। उसके अलावा ये जो राम्स ब्रिज है इसी को एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं यार, ठीक है, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलिए आप लोग ऑप्शन कमेंट सेक्शन में ये बताना स्ट्रेट और बे में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेट बे और इस्थमस में, इस्थमस ये तीन डिफरेंस मैंने पूछ लिए, स्ट्रेट, इस्थमस और बे में क्या डिफरेंस होता है, समझ गए आप लोग, ये आप बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन इन दीज थ्री टर्म्स, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली इनके ऊपर डेफिनेशन आ जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा, ये अब आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होती है ज्योग्राफी में एक टर्म होता है, अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो जो ITCZ है जो कि एक लो प्रेशर जोन होता है वो किन दो के बीच में बनता है। देखिए हमारा जो पूरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर दो टाइप की विंड्स होती हैं, एक होती है आपकी परमानेंट विंड्स और दूसरी होती है आपकी, एक होती है परमानेंट विंड्स और एक होती है टेम्पररी या फिर सीजनल विंड्स, ठीक है। परमानेंट विंड्स के जैसे आपके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, ट्रेड विंड्स हो गई, उसके अलावा फिर आपके हो जाते हैं वेस्टर्लीज, या फिर आपकी हो जाती है पोलर विंड्स। तो ये आपके परमानेंट विंड्स के एग्जाम्पल होते हैं। टेम्पररी विंड्स में आपके क्या हो जाते हैं, जैसे आपकी जो वो होती है ना माउंटेन ब्रिज, माउंटेन जो माउंटेन्स के ऊपर हवा चलती रहती है, माउंटेन ब्रिज या फिर माउंटेन या वैली ब्रिज बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर जो लू वगैरह हो जाती हैं, लू जो है ना, उसके अलावा फिर आपका क्या हो गया सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके टेम्पररी विंड्स के।
ठीक है, इतना अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। तो अब जैसे जो आपका ITCG है, ITCZ वाले रीजन बनता है, वो परमानेंट विंड्स के बीच में बनता है। तो अब ये पूछ रहे हैं वो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज के बीच में बनता है, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स के बीच में बनता है, या पोल्स में बनता है, या इक्वेटर पे बनता है। ऑप्शन क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर अब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, यस। और इसका सही जवाब है डी, एट द इक्वेटर। ये इक्वेटर पे बनती है। इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये आपका अर्थ है, अर्थ पे ये रहा आपका इक्वेटर, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, यहां पे क्या होता है, अब यार पूरी तो मैं उसमें नहीं जा सकता आपके ज्योग्राफी में, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। आपका जब क्या है, अर्थ की ना अनइवन हीटिंग होने की वजह से जो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज आता है, तो यहां पे जो हवा उठती है वो यहां पे, अब क्या होता है, ये जो पूरा आपका, अगर आप यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपका कौन सा रीजन आ जाता है, ये आपका आ जाता है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे जितनी भी हवा गर्म होती है तो वो इस तरफ आती है और यहाँ से ये इस तरफ आ रही है, ये दोनों जब मर्ज होती है तो यहाँ पे एक जोन बन जाता है जिसको हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं उसको ITCZ बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आधी हवा तो इधर आई, आधी हवा ऊपर की तरफ जा रही होंगी, तो ये यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ये वेस्टर्लीज हैं, ये पोलर ईस्टर्लीज हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। प्लस ये तीन सेल्स के नाम याद रख लेना कि हेडले सेल जो होता है वो कहां पे बनता है, ITCZ के बीच में या इन इस रीजन में बनता है, आप ये याद रख लो, ये हेडले सेल है आपका, उसके ऊपर आपका फेरल सेल है और ऊपर आपका पोलर सेल है। तो ये सेल्स के बारे में भी आप समझ लेना। अगर आपको कोई डाउट आए तो प्लीज बताना, मैं बता दूंगा। अभी एक्चुअली अगर इसको डिस्कस करने गया तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, विच आई डोंट वॉन्ट। अगला, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? आपको पता है कान्हा नेशनल पार्क एमपी में ही है। चलो ये बताना, लोकेशन बताओ, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए फेमस है, लायंस, काउस, एलिफेंट्स या टाइगर्स? यस, इट इज वेरी इजी, दैट इज फॉर टाइगर्स। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है। नेपाल नगर जो है दैट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर, न्यूज प्रिंट पेपर, शुगर या वुलन टेक्सटाइल? ये नेपाल नगर और उसकी इंडस्ट्रीज को मैंने इकोनॉमी में भी कवर किया है और एमपी एटा ग्लांस की जो सीरीज है उसमें भी कवर किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा नेपाल नगर में कौन सी फैक्ट्रीज है। यस, इट इज न्यूज प्रिंट पेपर की जो फैक्ट्री है वो है नेपाल नगर, एन फॉर एन से याद करवाया था। अगला क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है, एमपी की इनमें से कौन सी लोकेशन जो है वो 80 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड के पास में आती है, जबलपुर, रीवा, पन्ना और कटनी? आप देख रहे हो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको यानी मैप की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट एमपी का जो मैप है उसकी तो बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में पूछा है तो 2019 में भी आने की संभावना है। जबलपुर, रीवा, पन्ना या कटनी, 80 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड के पास वाला जगह का नाम बताना है आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जब ये आया था, और इसका सही जवाब जो है, मतलब जो एमपीपीएससी ने डिक्लेयर किया है वो जबलपुर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो आंसर है ए, क्लियर हो गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा आंसर अभी तक। अगर आप देखो ये रहा आपका 80 डिग्री वाला लेटीट्यूड, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जबलपुर वाला रीजन आ जाता है इसके पास में, तो इसीलिए जबलपुर 80 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड के पास में है। आपको एमपी के, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए एमपी के लेटीट्यूड, एमपी का लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या होता है ये वाली चीज, तो आप ये बताइए जो एमपी का लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन क्या है। प्लस इस मैप को एक बार ढंग से देख लो कि कौन सी वाली लाइन कहां से गुजर रही है, ताकि आपको पेपर में आप एक रफ एस्टिमेट लगा सको और सही टिक लगा सको। इज दैट क्लियर? कम से कम हिट एंड ट्रायल से तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते थे। अब अगर मान लो 80 डिग्री ईस्ट के पास वो बोल दें कि चंबल है, बुंदेलखंड है, तो आप बोल सकते हो नहीं यार वो तो बहुत दूर पड़ जाते हैं, या अलीराजपुर बोल दें तो यार वो तो यहां पे पड़ जाता है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे चलते हैं, आपको यह बताना है जो मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना चलाई जा रही है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, भावांतर भुगतान योजना एमपी की। अब आपको ये कितनी बार बताया मैंने करंट अफेयर्स में, ये एमपी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, और ये इतनी ज्यादा अच्छी है कि एमपी को इसके लिए बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिल रहा है और दूसरे स्टेट इसको रिप्लीकेट भी कर रहे हैं, राइट। तो भावांतर जो भुगतान योजना है वो रिलेटेड है आपकी एग्रीकल्चर से। अब आपकी बुद्धि का अपमान नहीं करूंगा, आपको बहुत बार पता है इसको, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस डेफिशियंसी स्कीम, प्राइस डेफिशियंसी स्कीम,
टाइप से या सी से रन कर रही जा रही है। इसमें क्या होता है, जो मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और जो फार्मर की सेलिंग प्राइस है, उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो सरकार जमा करवाती है फार्मर के खातों में। आपसे ये पूछा जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारे कौन से बॉर्डर्स को सिक्योर करती है? आपको पता है इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पे अलग अलग सेंट्रल वो जो सीआरपी जो होती है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, उसमें क्या कहते हैं, बहुत उसमें 7 फोर्सेस आती हैं। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत 7 फोर्सेस आती हैं, बीएसएफ, फिर उसके बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, और ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, तो इस तरीके से ऐसी 7 फोर्सेस आती हैं। तो अब ये जो एक फोर्स होती है आईटीबीपी, एक एक करके याद आ रही है मुझे, तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो एक पर्टिकुलर बॉर्डर को कवर करती हैं या पर्टिकुलर बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो सिमिलरली ये पूछ रहे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, कौन से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान और चाइना? तो इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है वो एक यूनिफॉर्म नॉर्मल क्लेचर है 7 सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिया में। ये जो सीएपीएफ वाली फोर्सेस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। बाकी सारी आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ये डिफरेंस देख लेना, लेकिन जो सीएपीएफ की 7 फोर्सेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये 7 फोर्सेस के नाम क्या है? आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस, बॉर्डर पुलिस, और फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात याद रख लेना। अब ये जो 7ों फोर्सेस हैं इनके खुद के कैडर होते हैं, और जो इन कैडरों को हेड करते हैं वो आते हैं आईपीएस से, जो यूपीएस से आईपीएस बनते हैं ना, जो यूपीएससी के क्लियर करने के बाद आईपीएस बनते हैं, वो इन सारे फोर्सेस को हेड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पे अब बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं, वो सारी आप कहानी यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने कवर कर दी है। तो बस एक इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत 7 फोर्सेस आती हैं। इनका जो कौन सी मिनिस्ट्रीज को संभालती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके अलावा हर ये जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि जो बीएसएफ है वो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। सिमिलरली आईटीबीपी जो है वो तिब्बतन रीजन और चाइना के रीजन को प्रोटेक्ट करती है। फिर ऐसी आसाम राइफल्स है वो एक पर्टिकुलर रीजन को करेगी, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द एक्टिंग गवर्नर ऑफ एमपी? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, यानी आपको यहाँ पे जितने भी एमपी के गवर्नर्स हैं, अगर आपने मेरा पॉलिटी का लेक्चर कवर किया होगा अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जहां पे मैंने आपको पूरे गवर्नर की लिस्ट पढ़ाई थी। ठीक है, तो आपको ये बताना है इनमें से किस इंसान ने एमपी के एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम नहीं किया है। इज दैट क्लियर? और इसका सही आंसर है जस्टिस जी.डी. दीक्षित। इन्होंने एमपी के एक्टिंग गवर्नर के तौर पे कभी भी काम नहीं किया, बाकी तीनों ने एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम किया, जीपी सिंह, पीबी दीक्षित और एनडी ओझा ने। तो यहां पे आप देख सकते हो जो एमपी के गवर्नर रहे हैं या जो एक्टिंग गवर्नर रहे हैं उन सबके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये रहे आपके जीपी सिंह, ये रहे पीबी दीक्षित। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको प्लीज याद रख लेना। और प्रेजेंटली अभी एमपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर है, गवर्नर के पास होती है पावर ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट करने की, ऑर्डिनेंस देने की। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने दो जगह कवर किया है, एक तो एमपी पॉलिटी की सीरीज में कवर किया हुआ है, और दूसरा मैंने इसी चीज को मैंने कवर किया हुआ है आपके एमपी की जो मेंस की लेक्चर सीरीज रन कर रहा हूं GS2 की, उसमें। तो जिन्होंने ये देखा होगा वो इसका जवाब दे सकते हैं। एंड यस, राइट आंसर इज 213। और सेम पावर, ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत मिलती है? आर्टिकल 123 के तहत। इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि सॉरी, जो आपका ईयर 2011 से लेकर 12 और 2011-12 से लेकर 2015-16 तक एमपी जो स्टेट है उसका जीएसडीपी कितना रहा है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है, जीएसडीपी की जो ग्रोथ रेट है इन 3 सालों के लिए कितनी रही है, 3 या 4 सालों के लिए कितनी रही है? 11%, 15%, 16% या 17%? अब जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगा था और हर कोई अपने अपने गैस देने में लगा हुआ था। अगर हम बात करें इसके सही जवाब की तो इसका आंसर ए है, बट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन एमपीपीएससी ने तो ए डिक्लेयर किया है, तो आप इसका आंसर ए लेके चलो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर, आपको यह बताना है किस साल में ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को क्रिएट किया गया था पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में कब कब बनाया गया था? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस, क्लियर है? आपके ऑप्शंस है 1951, 52, 1957 या 1962। और यस, इसका आंसर, इसका सही जवाब आप लोगों ने लिख लिया होगा, दैट इज ए। अब आपको क्यों ये जवाब पता होना चाहिए, देखिए 2018 के टाइम पे या 2018 से पहले जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इश्यू था ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसको लेके काफी विवाद रहा था, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आया था। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है और क्यों ये विवाद में रहा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये वैसे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लो, ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का सिस्टम है ये बेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है, यानी बेस्ट मिनिस्टर मतलब बेस्ट मिनिस्टर जगह का नाम है जहां पे इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो इस जगह पे बनी हुई है। इसीलिए इसको अब हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया वो कहां से किया है, हमने वो ब्रिटेन से किया है, इसीलिए इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लो या बेस्ट मिनिस्टर सिस्टम कह लो। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, अब सीनियर मिनिस्टर्स जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब हर एक जो बंदा होगा वो एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है, लेकिन अब ये इनके इनसे रिलेटेड कुछ सवाल या जवाब दूसरे हाउस में भी उठाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, अब अगर लोकसभा में कोई फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है तो उसका जवाब कौन देगा? तो ये क्या करते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो एक बंदे को नियुक्त कर देते हैं लोकसभा के मेंबर को एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये क्या करेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर के काम वगैरह होंगे वो इस हाउस में देखेगा। तो यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो पोस्ट बनाई गई थी वो सीनियर मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और इनको एक तरीके से आप असिस्टेंट मिनिस्टर भी मान सकते हो, समझ गए? और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में ये काफी सुर्खियों में रहता है, इसीलिए इसके बारे में पता होना काफी जरूरी है। चलो ये बताओ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से डील करने वाले आर्टिकल का नंबर बताओ, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डील करने वाले आर्टिकल्स, स्टेट लेवल पे अलग आर्टिकल है और क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे अलग आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। और जब आप लोग जवाब देते हैं, आप में से काफी लोग जवाब देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो जवाब देते हो ना उसके संग थोड़ा सा क्वेश्चन मेंशन कर दिया करो, ताकि जब मैं उन आंसर्स को रिव्यू करूं तो मैं चेक कर सकूं कि आपका जवाब सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन, आपको यह बताना है ये करेक्टली मैच है या नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट, तो यानी इससे मैं क्या समझ में आया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, वरना जैसे ही आपने देखा अच्छा 371 ये इंग्लैंड नागालैंड, अरे भाई यही सही जवाब है, लेकिन वहां पे क्या पूछा है, नॉट, नॉट, समझ में आ रही है बात? तो 371 ए में नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है, 371 बी में क्या आसाम से रिलेटेड है, 331 सी में क्या मेघालय से रिलेटेड है, और 371 डी क्या आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अगर आपको आर्टिकल्स, देखिए कुछ आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे आर्टिकल तो आपको याद भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल जैसे ऑर्डिनेंस वाला हो गया है ना कि 213, 113, या फिर मनी बिल वाला हो गया कि मनी बिल किस में डिफाइंड किया गया है, बजट वाला हो गया 112 हो गया, फाइनेंस बिल वाला हो गया 117 हो गया, या फिर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला, अटॉर्नी जनरल वाला हो गया है ना कि 148, या फिर क्या कहते हैं 76। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इसीलिए जब मैंने जो GS2 वाली सीरीज पढ़ा रहा हूं उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताता जा रहा हूं, तो उन पे ध्यान रखना, ठीक है? अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 370 वाला आर्टिकल आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बारे से रिलेटेड है, सिमिलरली आर्टिकल जो 35 है वो जम्मू कश्मीर से डील करता है, लेकिन जो आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर आपका ये है, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 371, उसमें आ जाते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन वाले स्टेट्स हैं ये, तो इसमें कुछ आपके 11 स्टेट हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। अब ये देखना है कौन सा करेक्ट मैच है या नहीं है, तो इसका सही जवाब तो है सी, मतलब ये गलत मैच है, 371 सी में मेघालय नहीं है, तो कौन है फिर देख लेते हैं। तो सॉरी, पार्ट 21 में कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, पार्ट 21 का जो आर्टिकल 370 है वो स्पेशल प्रोविजन बनाता है जम्मू कश्मीर के साथ, 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजन बनाता है महाराष्ट्र और गुजरात के साथ, 371 ए है नागालैंड के लिए, 371 बी है आसाम के लिए, 371 सी है मणिपुर के लिए, देख रहे हो मणिपुर, वहां पे मेघालय लिखा हुआ था मणिपुर, 371 डी है आंध्र प्रदेश के लिए, ई है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश के लिए, एफ है आपका सिक्किम के लिए, जी है आपका मिजोरम के लिए, एच है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए,
और आई है आपका गोवा के लिए। तो ये है कुछ स्पेशल प्रोविजन वाले स्टेट जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है। आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी की प्रॉपर पॉपुलेशन रहे, प्रॉपर क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन रहे, उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है। तो वो सीट्स कितनी है, 59, 69, 79 या 84? और यस, इसका सही जवाब है 84। सो आंसर हो जाएगा आपका डी। गॉट इट? तो यहां पे देख लो, आज के टाइम पे इंडियन पार्लियामेंट में टोटल 543 सीट्स हैं, जिनमें से 84 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं, 47 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं, और जो सीट्स एससी या एसटी के लिए रिजर्व की जाती हैं लोकसभा में, वो क्या कहते हैं किस बेसिस पे रिजर्व की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन अ स्टेट कंसर्न टू दैट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इस बेसिस पे रिजर्व की जाती हैं। और प्लस फिर ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में किस बेसिस पे जाती हैं, रोटेशन बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। ये सारी चीजें मैं पॉलिटी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहां पे बस इतना ही याद रखो, ठीक है। प्लस अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या आइडिया लगता है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एससी और एसटी की कितनी सीट्स हैं आपकी लोकसभा राज्यसभा में रिजर्व, प्लस एससी और एसटी की जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है उससे डील होने वाला आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि एससी और एसटी के लिए सीट्स का रिजर्व होना जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। प्लस इससे आपको और क्या पता चलता है कि एमपी में के लिए एससी और एसटी में के लिए कितनी सीट रिजर्व है लोकसभा में और राज्यसभा में, समझ में आ रहा है? तो ये आपको चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कितनी सीट्स एलोकेट की गई है राज्यसभा में इन स्टेटों के लिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और क्या पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच, यानी तीन तो सही मैच है एक गलत मैच है। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में 18 सीट है, उड़ीसा की 10, तमिलनाडु की 18 और महाराष्ट्र की 19। इसमें से कौन सा आंसर गलत है आपका? और सबसे पहला ही वाला गलत हो जाता है, ये वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। अभी क्यों है ये क्वेश्चन, क्यों आया? इसलिए आया था क्योंकि आपको पता होगा इसी 2018 से कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो जिसकी वजह से ये सीट्स का जो बताया गया था कि कितनी सीट एपी के पास जाएंगी और कितनी सीट तेलंगाना के पास जाएंगी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर में से कौन सी चीजें पढ़ना जरूरी होता है और क्या चीज को याद रखना जरूरी होता है। अगर हम सीट्स का रिजर्वेशन देखें राज्यसभा में, तो देखिए अब आंध्र प्रदेश की कितनी सीट्स हैं, 11 हैं सिर्फ, अरुणाचल की 1, आसाम की 7, बिहार की 16, छत्तीसगढ़ की 5, गोवा की 1। तो प्लीज आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो सारा नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो एमपी की कितनी है, 11 है, याद रख लेना, एमपी की टोटल 11 सीट्स हैं। मैक्सिमम सीट राज्यसभा में किसको एलोकेट की गई है, उत्तर प्रदेश को 31। ये दो चीजें मुझे बतानी थी, तो ये देख लिया आपने। आगे चलते हैं, आपसे ये पूछा गया है कि किस साल में लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन जब मैं स्पोर्ट की सीरीज पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, लक्ष्मी बाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस साल में एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी बार मैंने इस चीज को आपको पढ़ाया था एमपी एटा ग्लांस की सीरीज में, समझ में आ रहा है या नहीं, जो लेक्चर है वो कितने ज्यादा एप्लीकेबल है। और अगर एमपी का पोर्शन कर लिया तो 30 से 32 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर एक्ट अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो तीन एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, एससी एसटी एक्ट और क्या कहते हैं वो अनटचेबिलिटी वाला जो एक्ट है, तो ये अगर तीनों एक्ट कर लिए तो 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इन तीनों एक्टों के ऊपर मैं अभी क्या करूंगा, सिंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो उन वीडियोज को देख लेना। अगर आप उन वीडियोज को देख ले तो एटलीस्ट आपके कम से कम नहीं तो 4 से 5 तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, सो प्लीज देख लेना आप उसको भी। हाँ, तो आपको यह बताना है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था, एंड यस इसका सही जवाब है 1957, सो दैट इज बी, ये लिखा हुआ है। देखो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे है, ग्वालियर में है, और ये इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंदर में आता है। उसके अलावा ये अगस्त 1957 में स्टैब्लिश किया गया था, अगस्त 1957 में स्टैब्लिश किया गया था लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब यहां पे ये टर्म पूछा है, एन पेशेंट जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम या चेस। एन पेशेंट जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम या फिर चेस, एंड यस यू आर राइट, दैट इज डी, दैट इज चेस। तो
तो ये देखिए एन पेसेंट में एक तरीके से क्या होता है, एन पेसेंट एक तरीके से ये मूव होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो स्पेशल पॉन होता है वो कैन कैप्चर दैट कैन ओनली अकर इमीडिएटली आफ्टर अ पॉन मेक्स अ डबल स्टेप मूव फ्रॉम अ स्टार्टिंग स्क्वायर एंड कुड हैव बीन कैप्चर्ड बाय एन एनिमी पॉन हैड इट एडवांस ओनली वन स्क्वायर। मतलब जैसे मान लो अगर ये सिर्फ यहां पे आता, ये वाला जो पॉन है अगर वो यहां पे आता तो ये बढ़ जाता, लेकिन इसने क्या किया सीधा इधर पे आ गया, तो इस वाले स्टेप को बोला जाता है एन पैसांट। गॉट इट? तो ये वाली चीज हो जाती है आपका एन पैसांट। तो यानी इस वाले क्वेश्चन को देख के मैं क्या पता चला कि जो स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स के जो टर्म्स होते हैं वो आपके पता होने चाहिए। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में होता है ना गली हो गई आपका, या फिर क्या कहते हैं ऑफ लेग, ऑफ साइड, लेग साइड, विकेट, LPW, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए किस स्पोर्ट से कौन से है। तो यानी आप ये अपने नोट्स में लिख लो टॉपिक्स में कि ये टॉपिक आपको कवर करना है, क्या स्पोर्ट्स एंड एसोसिएटेड टर्म्स। अच्छा मैं बहुत जल्दी स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें जो MPPSC 2019 या फिर कभी आगे भी कभी पेपर देंगे तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और ये जो सीरीज में जो टॉपिक्स होंगे वो किस कैसे आ रहे हैं, पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बेसिस पे आएंगे। गॉट इट? अगला क्वेश्चन ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर या धनराज पिल्लई। ये आपके चार ऑप्शंस हैं और आंसर आपने इसका लिख लिया होगा। यस, आप लोग सही हैं, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ये खेल की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यहां पे देखो आप लोग, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो स्पोर्ट और गेम्स में दिया जाता है और ये हाईएस्ट स्पोर्ट का ऑनर होता है, ये राजीव गांधी के बाद रखा गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए टोटल आज तक 2018 तक कितनी बार अवार्ड दे दिया जा चुका है, ये 36 बार दिया गया है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला था ये। अगर हम बात करें 2018 में, 2018 में ये किसको दिया गया है, तो ये देखो 2018 में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो 2018 में दिया गया है विराट कोहली और मीराबाई चानू को। विराट कोहली आपके क्रिकेट से एसोसिएटेड है और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। देखो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, हर साल दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा। सबसे पहली बार इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 1991 और 1992 में, पहली बार सबसे पहली बार इसको दिया गया था चेस खेलने वाले जो ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद उनको दिया गया था। 1992 से लेकर 2018 तक ये अभी तक 35 स्पोर्ट्समैन्स को दिया जा चुका है, देख लेना 35 है या 36 है, ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी तक। 2017 में किसको दिया गया था, देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह। देवेंद्र झाझरिया जो है वो जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, सरदार सिंह हॉकी से एसोसिएटेड है। 2016 में ये पीवी संधू, दीपा कामिकर और साक्षी भाई और जीतू राय के को मिल चुका है। ठीक है, 2015 में ये सानिया मिर्जा को मिला था। तो प्लीज ये देख रहे हो, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज जो भी ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन, मतलब 2018 में जो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स दिए गए हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे आपको पता होने चाहिए। गॉट इट? आज का हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग प्लीज इसमें से जिसको भी नोट्स बनाने हैं वो अपने नोट्स बना लो ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। इज दैट ओके? हाँ, अब आपको ये बताना है लिब्रो जो टर्म होता है वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, लिब्रो जो है वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो आप देख रहे हो स्पोर्ट्स एंड टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? दो क्वेश्चन हो गए तो इसके ऊपर मैं एक जल्दी से लेक्चर लेके आऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। हाँ, तो लिब्रो जो है वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, आपने आंसर दे दिया होगा और सही आंसर है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल, ज्यादा नहीं बता रहा हूं अभी। हाँ, अब आपको यह बताना है सबसे पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में किसको दिया गया था, पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो भी एक स्पोर्ट अवार्ड है और ये किसको दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ऐसे ही जो हमारे स्टेट लेवल यानी MP के लेवल पे ये अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होगा, चलो मैं नहीं बता रहा। चलो ठीक है, तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको सबसे पहली बार दिया गया था, आपके ऑप्शंस थे OM नंबियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BB भागवत या फिर तीनों को मिला था।
और यस, इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों को ही ये द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में मिला था। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिया जाता है, और ये द्रोणाचार्य गुरु द्रोणा के नाम पे रखा गया हुआ है। ये अगर अगर हम बात करें पहले विनर की, तो देखिए वो है बालाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओ एम नंबियार। सबसे पहली बार 1985 में दिया गया था, लास्ट टाइम 2017 में दिया गया, और टोटल 104 लोगों को आज तक ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम 2018 में बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड किन किन को दिया गया, तो आप यहां पे इन नामों को पढ़ सकते हैं। सुबेदार चेनानंद अचैया कुटप्पा बॉक्सिंग में, विजय शर्मा वेटलिफ्टिंग में, श्री नवास राव टेबल टेनिस में, सुखदेव सिंह पन्नू एथलेटिक्स में, क्लैरेंस लोबो हॉकी में, तारक सिंह क्रिकेट में, जीवन कुमार शर्मा जूडो में, और बी आर बीडू एथलीट एथलेटिक्स में। तो आप देख रहे हो ये सारे अवार्ड दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड इतने सारे लोगों को मिला 2018 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये दो लोगों को मिला है, मीराबाई चानू जो वेटलिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, और विराट कोहली जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ध्यानचंद अवार्ड 2018 में ये किन किन को दिया गया, ये दिया गया सत्यदेव प्रसाद, भारत कुमार छेत्री, बॉबी लॉय स्विस और चोगले दादू दत्तरिया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किन किन को मिला, तो ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पर्सनैलिटी को, दोनों को मिल सकता है, तो आप यहां पे देख सकते हो, प्लीज आप इनको पढ़ लेना एक बार। अर्जुन अवार्ड 2018 किन को मिला, तो ये भी आप यहां पे देख लो, पूरी लिस्ट दी हुई है। एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और जस्ट गो थ्रू इट। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये थर्ड लेक्चर है वो समाप्त होता है। दोस्तों कहीं पे कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए, तो या तो ईमेल आईडी पे पूछ लो मेल करके, या फोन करके भी मुझे पूछ सकते हो आप। ये रहा फोन नंबर मेरा, तो आप इस पे फोन करके पूछ लेना। अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बनाऊं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। प्लस अगर दोस्तों आपको लगता है ये जो काम की इन्फॉर्मेशन, काम के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, इनको बाकी लोगों को भी देखने चाहिए, तो इन वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 10 विदानियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।